दोस्तों, मैं हूं शांति तिवारी और आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम इसमें क्या सीखेंगे कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है फंक्शंस की, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या पैरामेट्रिक फॉर्म बताता है कि क्या होता है? तो टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू एफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी टी इज सेट टू बी पैरामेट्रिक फॉर्म। जब दो वेरिएबल एक्स वाई इस फॉर्म में दिया हो, एफ टी और जी टी, एक्स इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी, तो हम उसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं विद टी एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पर जो टी है ये क्या है, पैरामीटर है। एक्स वाई दो वेरिएबल है, इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर टी क्या होगा, पैरामीटर होगा। तो जो उसका डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, वो होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो जो डिनोमिनेटर होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दिया है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ए साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स वाई है टू वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, थर्ड वेरिएबल है, यानी वो क्या है, पैरामीटर है। और हाँ, पैरामीटर फॉर्म में कब होता है, जब दो जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई इनके बीच रिलेशन जो है वो क्लियर ना हो, तो हम जो थर्ड वेरिएबल होता है उससे उनके बीच में रिलेट करते हैं, इसलिए उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो पहले हमें क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू दिया है ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा जो है टी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स वाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा। अगर फॉर्मूले क्लियर ना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला की भी वीडियो बनाई रखी है। ठीक है, तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। इसी तरह से वाई इक्वल टू क्या दिया है, ए साइन थीटा। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। तो ये हमें दो वैल्यू मिल गई, डी वाई डी थीटा, डी एक्स डी थीटा। हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू है ए कॉस थीटा अपॉन ये वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉट थीटा, है ना, सिंपल आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। एग्जांपल है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280। यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है क्या है, टी, यानी ये टी क्या है, पैरामीटर है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। जैसे एक्स इज इक्वल टू है 80 स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, अब ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट ही रहता है। अब टी स्क्वायर, यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू टी की पावर एन माइनस वन, यानी वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू ए टी हो गया। अब इसी तरह से वाई लगा लो, y इज इक्वल टू क्या है, टू ए टी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, टू ए, ये तो कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा, वन, यानी क्या हो गया, टू ए। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, टू ए अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, टू ए टी। तो टू ए से टू ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, वन अपॉन टी। तो डी वाई डी एक्स क्या गया, वन अपॉन टी। आगे समझ, हाँ, तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, डेरिवेटिव निकालना आया होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में जब फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।